अब संकल्प की विधि देखते हैं कि संकल्प कैसे करते हैं। सबसे पहले कलश या चांदी के ग्लास में बर्तन में पानी ले लीजिए। फिर ये जो पहली उंगली है जिसको तर्जनी कहते हैं, उसको अंगूठे के बेस पे लगा के अंगूठा उस पे रखना है। तो यहाँ पे कुएं के जैसा बन जाएगा, एक खड्डे के जैसा। उस खड्डे के अंदर हमको पानी लेना है, उसके अंदर फूल की पंखड़ी, चावल, हल्दी, कुमकुम इत्यादि सब कुछ डालेंगे और कहेंगे, मैं आपका पूरा नाम बोलना है और आपका गोत्र, गोत्र बताना हो तो बोलिए कश्यप गोत्र। फिर उस दिन की तारीख बोलिए कि आज तारीख ये। अगर तिथि पता हो आपको तो तिथि बोलिए। फला फला तिथि को भारतवर्ष में जम्बू द्वीप ने, भारतवर्ष मतलब इंडिया, भारतवर्ष जम्बू द्वीप, महाराष्ट्र, मुंबई, जहां भी आप है पूरा एड्रेस बोलिए, मैं ये साधना ये सिद्धि करने का संकल्प ले रहा हूं इस कारणवश, मुझे उसमें से ये चीज चाहिए। और फिर अंत में वो जल जो है उसको ऐसे सीधा जमीन पे छोड़ना है। याद रखिए, सीधा ही छोड़ना है, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे और ऐसे नहीं छोड़ेंगे। ऐसे छोड़ने से, ऐसे छोड़ने से, ऐसे छोड़ने से फल नहीं मिलेगा, सीधा छोड़ना है। ये उंगली में से जाना चाहिए वो, ये दोनों उंगली के बीच में से। और फिर आप फिर से थोड़ा सा जल लीजिए, हाथ में साफ जल लीजिए या चावल लीजिए, और जो संकल्प छोड़ा हुआ है उसी पे वापस छोड़ दीजिए, विष्णु 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 बोलते हुए। अब इसमें एक और चीज मैं आपको कहना चाहता हूं कि समझो आप अपने लिए कर रहे हैं तो आपने हल्दी, चावल, कुमकुम इत्यादि डाला तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी और के लिए संकल्प कर रहे हैं, अगर किसी और के लिए आप पूजा कर रहे हैं, तो अपने हाथ में एक हरड़े रखिए या एक सुपारी रखिए या एक बादाम रखिए। और जिसके लिए आप जप कर रहे हैं या जिसके लिए ये साधना कर रहे हैं, जब साधना खत्म हो तब ये सुपारी, ये हरड़े, ये बादाम उस व्यक्ति को खिला दीजिए। और अगर अपने लिए कर रहे हो और अपने लिए भी अगर ये हरड़े और सुपारी रख ले तो भी अच्छा है। तो ये सब करेंगे तो अच्छा होगा, इससे आपके संकल्प की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। जय गुरुदेव।